हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y21e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा एस कैप्चर पर सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन शॉट फ्लोटिंग विंडो। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को टैप करके इसे ऑफ करना है, यानी कि सेटिंग को डिसेबल करना है। इस सेटिंग को डिसेबल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम कभी भी अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट आ जाता है और स्क्रीनशॉट का पेज जो है नीचे की साइड फ्लोट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो के सामने वाले बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग देखिए डिसेबल होने के बाद काम कैसे करती है। आप जब भी अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा और लेकिन पेज जो है वहीं से गायब हो जाएगा, पहले की तरह नीचे की तरह फ्लोट नहीं करेगा। तो सेटिंग जो है ना स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।